गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं राजेश कुमार, कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में ये मेरा मिसलेनियस नौवा पार्ट का प्रैक्टिस सेट है, और इसे जम के पढ़ें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, तो क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष कब अपना मत दे सकता है? तो केवल टाई पढ़ने पर। 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी की अपेक्षा 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप अधिक गंभीर दाह क्यों करती है? यानी पानी की अपेक्षा भाप अब अधिक गंभीर दाह क्यों करती है? क्योंकि वाष्पन में गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। कैट स्कैन कराने के लिए क्या करना पड़ता है? कैट स्कैन कराने के लिए कंप्यूटरीकृत अक्षीय क्रोमोग्राफी करना पड़ता है। कौन सा राज्य हाथी दांत और चंदन उत्कीर्ण नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है? तो कर्नाटक, हाथी दांत के लिए वही कर्नाटक है। जंगली गधा मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? तो कच्छ में पाया जाता है। रबड़ कैसा फसल है? तो नगदी फसल है। फेफड़ों को ढकने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं? तो फुफ्फुसावरण कहते हैं। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ? तो अशोक के शासनकाल में। उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया? तो राणा कुंभा ने। राष्ट्रपति भवन के निर्वाचन में विवाद के मामले को प्रस्तुत किया जा सकता है? तो भारत के उच्च न्यायालय को। भारत सरकार के वित्तीय लेन देन के लेखाकरण के लिए कौन जिम्मेदार होता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। बारदोली सत्याग्रह मुक्त किस व्यक्ति से जुड़ा हुआ है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल से जुड़ा हुआ है। मनाली और लेह मुक्त किस प्रसिद्ध सड़क द्वारा जुड़े हुए हैं? तो विश्व की सबसे ऊंची सड़क द्वारा जुड़े हुए हैं मनाली और लेह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। समुद्र में पानी के नीले होने का क्या कारण है? जल अणुओं द्वारा नीले प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है। उसके बाद क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम क्या है? तो पारा है। क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम पारा है। दूध में परिक्षिप्त वसा क्या होता है? तो मक्खन होता है। व्यापक रूप से इस्तेमाल किया गया नाइट्रोजनी उर्वरक क्या है? तो यूरिया है। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर। तराइन की पहली लड़ाई 1991 ईस्वी में किसके बीच हुई थी? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मुंबई में। बेगम हजरत महल ने 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर से किया? तो लखनऊ से। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई थी? प्राकृत भाषा में। हेपेटाइटिस किस अंग का होता है? तो यकृत में होता है। एंटोमीबा और हिसोलिटिका नामक परजीव मानव के किस अंग में पाया जाता है? तो आंत में पाया जाता है। नेक्स्ट, साम्यवाद मुख्यतः किसको महत्व देता है? तो आर्थिक समता को महत्व देता है। किसी वस्तु किसी स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जाती है, किस स्थिति में? तो दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी की स्थिति में। सेंट पॉल का सिर कहाँ काटा गया था? तो रोम में। सेंट पॉल का सिर रोम में काटा गया था। यह किसने कहा कि मानव प्राकृतिक रूप से एक सामाजिक प्राणी है? तो अरस्तु ने। राजनीतिक समता मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार में पाई जाती है। इन्फ्लुएंजा रोग किसके द्वारा फैलता है? तो विषाणु के द्वारा फैलता है। दालें किसका उत्तम स्रोत होती है? तो प्रोटीन का। रक्त में मूत्र अम्ल के उच्च स्तर के कारण कौन सा रोग होता है? तो गाउट होता है। एक वयस्क मानव में सामान्यतः कितने चवर्णक होते हैं? तो 12 चवर्णक होते हैं। चिकन पॉक्स मुख्यतः किससे होता है? तो प्रोटोजोआ से होता है। भारत से विदेश में नियुक्त की गई प्रथम महिला राजदूत कौन थी? तो विजया लक्ष्मी पंडित। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट है, महाभारत के दो सशक्त पात्र अफगानिस्तान के थे, आजकल वह क्षेत्र कौन सा है? तो गंधार है। कोशिकाओं की वह संरचना जिसमें प्रकाश और रोधक वर्णक होता है उसे क्या कहते हैं? तो हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो चंबल नदी पर किया गया है, राजस्थान में। श्रम विभाजन मुख्यतः किसका परिणाम है? तो विशेषता का परिणाम है। 1932 ईस्वी में हस्तांतरित पुणे पैक्ट में मुख्यतः किसकी व्यवस्था की गई थी? हरिजनों के आरक्षण के साथ संयुक्त निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। विभिन्न औद्योगिक फर्में मुख्यतः किसके अधीन सजातीय माल का उत्पादन करती है? पूर्ण प्रतियोगिता। कछुए कैसे प्राणी होता है? तो अनियत तापी प्राणी होता है। वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती है? तो पृष्ठीय तनाव के कारण होती है गोलाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापार विकास
प्राधिकरण संस्था संबंधित है तो निर्वात निर्यात से संबंधित है, व्यापार विकास निर्यात से संबंधित है। अर्थव्यवस्था में उत्पादित अंतिम माल एवं सेवाओं के धन का व्यापक है तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद। चलिए सिद्धांततः दो देशों के बीच व्यापार के लिए किया जाता है तो लगातार तुलनात्मक अंतरों के कारण किया जाता है। जाली दस्तावेजों को पता मुख्यतः किन कारणों द्वारा लगाया जाता है, किन किरणों के द्वारा लगाया जाता है तो पराबैंगनी किरणों के द्वारा। नीलंबी जल अणुओं के कारण वर्षा के बाद इंद्रधनुष दिखाई देता है क्योंकि प्रिज्म का काम करते हैं। मेघना किन दो नदियों की सम्मिलित धारा है तो गंगा और ब्रह्मपुत्र की। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर से क्या तात्पर्य है, पैसिफिक के चारों ओर ज्वालामुखी पट्टी इसका तात्पर्य ही है। भूगोल में गल्फ स्ट्रीम से क्या तात्पर्य है, एक के धारा का नाम है। कितने यामयोतर के साथ अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा निर्धारित की जाती है, 180 डिग्री। विक्टोरिया प्रपात किस नदी पर है, जाम्बेजी नदी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन डीसी। वाणिज्यिक बैंक क्रेडिट सृजित करते हैं अपनी जमा के आधार पर, किसी नियत अवधि के लिए कुल राष्ट्रीय उत्पादन का मुद्रा मूल्य क्या कहलाता है, सकल राष्ट्रीय उत्पादन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बैंक द्रव से तात्पर्य होता है करेंसी नोट। कर्नाटक और तमिलनाडु में मुख्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है, लैटराइट मिट्टी। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर गाडविन आस्किन K2 किसको बोलते हैं। उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश एम एस फातिमा बीबी। किस दार्शनिक को 10,000 पीढ़ियों का अध्यापक कहा जाता है, कॉन्फ्यूशियस को। द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन पुस्तक के लेखक सैमुअल हंटिंग। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण होता है नाभिकीय संलयन। आंवला में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, विटामिन सी। पौधे ऊर्जा छोड़ते हैं श्वसन से, पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है तो तना से। भारत में सबसे व्यापक रूप से पाई जाने वाली मिट्टी जलोढ़ मिट्टी। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार है मूल संविधान के हिस्सा थे, मौलिक अधिकार मूल संविधान के हिस्सा थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु यानी 65 साल में रिटायर होते हैं। भारत में संपत्ति के अधिकार को अब कैसा अधिकार माना जाता है तो कानूनी अधिकार माना जाता है। लोकप्रिय संप्रभुता का समर्थन किया तो रूसों ने किया। विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं तो हम्पी में पाए जाते हैं। किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी तो गुरु अंगद देव ने लिखी थी। किस पुर्तगाली ने गोवा पर अधिकार किया था तो अल्फांसो द अल्बुकर्क 1510 ईस्वी में। रोम शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है, टाइबर नदी के तट पर। मार्ले किसकी राजधानी है तो मालदीव की राजधानी है। किस राज्य में हुड्डी सोने की खान स्थित है, कर्नाटक में। भारत के पड़ोस में घोड़े की नाल जैसे आकार वाला मुंगे का द्वीप समूह कौन है तो श्रीलंका, मुंगे का द्वीप समूह श्रीलंका है। विश्व में सर्वाधिक व्यस्त समुद्री व्यापार मार्ग कौन सा है, अटलांटिक महासागर। विश्व का प्रसिद्ध सेरांगेती वन्य प्रणाली अभयारण्य सेरांगेती है तंजानिया में, सेरांगेती तंजानिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। विश्व में सबसे बड़ा गहरा वन मेग्रो वन कौन है तो सुंदरवन है। किसी अधिनियमित संविधान का सबसे पहला उदाहरण है, अमेरिकी संविधान। आई एम द स्टेट, मैं ही राज हूँ, यह किसने कहा था, फ्रांस के लुई 14वां ने। हीरे की चमक का क्या कारण है, प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन। समुद्र की धाराएं उदाहरण है चालन का। यदि तांबे के तार को बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना। किस प्रदेश की विशिष्ट वनस्पति का वितरण मुख्य रूप से किसके द्वारा निर्धारित होती है, तो हवा पानी और अक्षांश के द्वारा। लंबी दूरी के बेतार संचार के लिए अपेक्षित तरंगे हैं रेडियो तरंगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी बत्ती में तेल चढ़ने या बढ़ने का क्या कारण है, तेल का पृष्ठ तनाव। प्रतिदीप्त नाली का ट्यूब में प्रारंभ में उत्पन्न विकिरण होता है, पराबैंगनी। सीसा पेनिसिलिन लेड में होता है, ग्रेफाइट होता है,
मानव शरीर में वसा कहाँ जमा होता है? तो वसा ऊतक में होता है। किसकी उपस्थिति में रुधिर वाहिनियों में रक्त आतचित यानी कोल्ट नहीं होता है? किसकी उपस्थिति में रक्त रक्त वाहिनियों में रक्त आतचित नहीं होता है? तो हेपेरिन की उपस्थिति में। किस रोग के रक्षा के लिए पशुओं को डीडीट टीका लगाया जाता है? तो रोहिणी, कुकुर, खांसी तथा टेटनस के रक्षा के लिए। हीमोफीलिया कैसा विकार है? तो अनुवांशिक विकार है। गुदे को रक्त पूर्ति करने वाली रुधिर वाहिका क्या है? तो मृग धमनी। विश्व का सबसे बड़ा गुंबज गोल गुंबज कहाँ स्थित है? बीजापुर में। हैरी पॉटर सीरीज की पुस्तकें किसने लिखी थी? जेके रॉलिंग ने लिखी थी। किस ग्रह के चारों ओर सल्फ्यूरिक अम्ल है? तो बुध ग्रह के चारों ओर। विश्व ठहाका दिवस कब मनाया जाता है? 11 जनवरी। भारत में सबसे प्रभु सूफी पूजा गृह कहाँ है? भारत में सबसे प्रभु सूफा गृह कहाँ है? अजमेर है। सूफी आ गया तो अजमेर डालेंगे हम। चलिए, आजीविका का एक संप्रदाय था बुद्ध का समसामयिकी। भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थापना सबसे पहले किसके समय में हुई थी? विश्वविद्यालय की स्थापना लॉर्ड कैनिंग के समय में। पृथ्वी की संरचना में सबसे अधिक प्रतिशत किसका तत्व है? ऑक्सीजन का। सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड अम्ल के भंडारण के लिए उपयुक्त पात्र कौन होता है? तो कांच का पात्र होता है। कार्बोहाइड्रेट शरीर के किस रूप में संचित रहता है? सर्व कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। पदक प्राप्त करने में भारत की सर्वोत्तम स्थिति किस एशियाड में रही है? 1982 में दिल्ली में रही है। सूफी संतों के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? तो खानकाह कहा जाता है। ओजोन छिद्र सबसे अधिक किसके ऊपर बना है? तो अंटार्कटिका में बना है। आद्र सल्फर डाइऑक्साइड की विरंजक यानी ब्लीचिंग क्रिया का क्या कारण है? उसका उपचायक यानी रिड्यूसिंग गुणधर्म क्रिया का वही कारण है। आपातकालीन उपबंधों से संबंधित अनुच्छेद कौन है? तो आपातकालीन 52-56-60 352-356-60। भू स्थिर उपग्रह क्या है? यह अंतरिक्ष में एक जगह स्थिर रहता है। दाब बढ़ने से बर्फ का गलनांक पर क्या असर पड़ता है? दाब बढ़ाया जाता है तो गलनांक घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, कौन सी संधि ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया? वसीन की संधि। मुस्लिम लीग ने अपना अलग मुस्लिम राज का समर्थन कब किया? 1940 के लाहौर अधिवेशन में। रणथंभौर क्या था? एक राजपूत दुर्ग था। भारत में परमाणु ऊर्जा की दीर्घकालीन संभावना देश में किसके भंडार पर निर्भर करती है? थोरियम। संसद के सदस्यों के देय वेतन और भत्तों का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? संसद द्वारा। संसद के दोनों सदनों का सत्रावास करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। ईईजी का प्रयोग किसके कार्य का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो मस्तिष्क के। सूर्य के वायुमंडल में किस तत्व की अधिकता रहती है? तो हाइड्रोजन की। डाक विवरण में तीव्रता लाने हेतु भारत में पिन कोड प्रणाली की शुरुआत हुई थी? तो 15 अगस्त 1972 को हुई थी। हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशनरी का मुख्य उद्देश्य किसका उत्पादन बढ़ाना है? तो खाद्यान्नों का। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? स्कंद गुप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो नरेंद्र दत्त। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय की किसकी शिक्षाओं पर फैला था? तो संत ज्ञानेश्वर की शिक्षाओं पर फैला था। चीन की राष्ट्रीय पार्टी कुओंग मितांग की स्थापना किसने की थी? डॉक्टर सन्यात सिंह। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो अल्तुतमिश की बेटी थी, अल्तमस भी उसको बोलते हैं। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी कौन किए थे? तो कुषाण शासकों ने किए थे। प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? तो विटामिन डी उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कह रहा है टाका जिसे शोल्डर कहते हैं किसका मिश्र धातु है? टीन और सीसा का है। हड्डी का प्रयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है क्योंकि इसमें पौधे पोषक तत्व होता है, तो फास्फोरस। मानव शरीर में कौन सा ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट जमा करता है? तो यकृत। बहुराष्ट्रीय निगम को क्या कहा जाता है? तो राष्ट्रीय व्यापार निगम कहा जाता है। लगान फिल्म के निर्देशक आशुतोष गोवारिकर हैं। ब्रह्मपुत्र नदी किस महानदी से निकलती है? तो चियांग
चियांग गुइन के द्वारा से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। मृत सागर, डेड सी, मृत सागर को क्या कहा जाता है? क्योंकि इसमें कोई जलीय जीव नहीं है, इसलिए इसे डेड सी कहा जाता है। भारत में किस स्थान पर सबसे पहला जल विद्युत संयंत्र लगाया गया? तो शिव समुद्रम। किन महीनों के दौरान बंगाल की खाड़ी में बार बार उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं? अक्टूबर नवंबर में। तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग आंतरिक अंगों की क्रियाओं को नियंत्रित करता है? तो मेडुला। जब मानव हृदय में बाएं आलिंद का संकुचन होता है तो रक्त किसकी तरफ जाता है? तो महाधमनी में जाता है। कौन सी स्थिति विलंबित रक्त स्कंदन की एक शर्त है? विलंबित रक्त स्कंदन की एक स्रोत है शर्त है तो हीमोफीलिया है। उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नागरिकों के लिए निर्धारित मत देने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। शासन की एकात्म पद्धति का क्या लाभ है? तो दृढ़ राज्य होता है। भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री इसकी इच्छा रखने तक पद संभालेंगे। भारत के राष्ट्रपति किसकी इच्छा रखने तक पद संभालेंगे? राष्ट्रपति। हीलियम एक तत्व होता है, उच्चतम आयतन ऊर्जा वाला होता है। शतरंज का खेल कहाँ शुरू हुआ था? तो पर्सिया में शुरू हुआ था। द वाइट कैंसल नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ओरहन पामुक ने लिखी थी। कनेक्टिंग इंडिया नारा किस ब्रांड के उत्पादन के साथ संबंधित है? तो नोकिया। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? फ्रांस, पेरिस में। भारतीय संविधान ने दृढ़ निश्चय के साथ सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली है? तो कनाडा से ली है। थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? तो बैडमिंटन से है। भारत में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो सात है, सात नहीं है, अभी 9 हो गई है। भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो सतलज नदी पर बना हुआ है सबसे ऊंचा बांध, जो कि पंजाब में पड़ता है। नेक्स्ट, म्यांमार की मुद्रा क्या है? तो क्यात है। सबसे छोटा देश जनसंख्या की दृष्टि से वेटिकन सिटी। भारत में लोकनायक की पदवी के साथ कौन सम्मानित है? जयप्रकाश नारायण। संसद शामिल है, राष्ट्रपति संसद में कौन 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 शामिल है? तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। यह निर्णय कौन लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? लोकसभा के अध्यक्ष। पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1952 में हुआ था। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। मक्खी के मुख से कौन सी बीमारी फैलती है? तो अत्र ज्वर फैलती है। तारापुर, जो कि महाराष्ट्र में है, तारापुर में कौन सा शक्ति स्टेशन है? तो नाभिकीय परमाणु शक्ति स्टेशन है। वह सड़क कौन सी है जो हिमालय में विश्व के चार ऊंचे दरों को पार करती है? तो मनाली से लिए, वह सबसे बड़ी सड़क है। तांबा अयस्क के लिए विख्यात क्षेत्र खेतड़ी किस राज्य में स्थित है? तो खेतड़ी राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, IBRD का नाम क्या है? तो विश्व बैंक का IBRD का नाम है विश्व बैंक। ऑपरेशन फ्लड जिसके जनक है वर्गीज कुरियन, ऑपरेशन फ्लड के जनक वर्गीज कुरियन, इनका तात्पर्य किस उत्पादन से है? तो दूध के उत्पादन में वृद्धि से है। कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? तो ग्लूकोज। पणांग जिसको फर्न बोलते हैं किसके जरिए प्रजनन होता है? तो बीजाणुओं, स्पोर्ट्स के जरिए होता है। अदरक है एक तो भूमिगत खाद्य तना होता है। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना कहाँ किए थे? तो सिंगापुर में किए थे। हॉटमेल का सृजन किसने किया था? तो शबीर भाटिया ने किया था। पहली भारतीय महिला जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी वह कौन थी? तो सरोजनी नायडू थी। तो ये मेरा 200 क्वेश्चन का प्रोग्राम यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए ताकि मेरा मनोबल बढ़े और अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आऊँ। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो